सुप्रभात बच्चों, अब हम लोग हिंदी की पढ़ाई करेंगे। इसके लिए आप लोग हिंदी की कॉपी निकालिए सभी बच्चे। सबसे पहले हम लोग कक्षा कार्य यानी CW डालेंगे और उसके नीचे डेट डालेंगे 4.5। इसके बाद श्रुति लेख, ऊपर का हेडिंग लिखेंगे हम लोग श्रुति लेख। इसमें केवल हम लोग व्यंजन वर्ण का ही श्रुति लेख करेंगे, 20 का करेंगे, जो कि आपके पेरेंट्स आपका हेल्प करेंगे, यानी क से ज्ञ तक इसमें जो आते हैं उसमें केवल 20 का ही बच्चों को अपना डिक्टेशन कराएंगे, श्रुति लेख कराएंगे। उसके बाद जो इसमें गलत होगा उसको आप लोग को इसमें सुधार कार्य करना है, उसमें 3-3 बार उसको लिखना। जैसे आप ख गलत किए तो ख को 3 बार लिखोगे, और कुछ भी गलती किए तो उसको 3-3 बार यहाँ पर लिखना है नीचे में। ये आपका SW हो गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में फिर डालेंगे क्लास वर्क CW, फिर डेट लिखेंगे 5.5। उसके बाद हम लोग हेडिंग लिखेंगे बाद वाले अक्षर को लिखो, तो ख लिखे, ख के बाद क्या होता है आप लोग को भरना है, छ के बाद क्या होता है, प के बाद क्या होता है, स के बाद क्या होता है, त के बाद क्या होता है, ये आपका क्लास वर्क हो गया। उसके बाद हम लोग SW नेक्स्ट पेज में करेंगे, उसमें लिखेंगे चित्र बनाओ। इसमें मैंने इमली का छोटी ई से इमली का डॉट्स केवल दिया है, बिंदु आप लोग को उसको मिलाकर इस तरह से पेरेंट्स बिंदु कॉपी में दे देंगे और उसको मिला के बच्चे छोटी ई से इमली का चित्र बनाएंगे और उसमें सुंदर से कलर करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर क्लास वर्क डालेंगे और उसमें डेट डालेंगे 6/5। उसमें लिखेंगे हम लोग हेडिंग लिखेंगे क से ज्ञ तक लिखो, पूरा क ख ग घ ङ घ पूरा क से ज्ञ तक आपको लिखना है, ये क्लास वर्क है। उसके बाद SW में मैंने डाला है पहले वाले अक्षर को लिखो, जैसे पहले आप डैश दोगे फिर छ, फिर डैश फिर थ, फिर डैश फिर य, डैश ज, फिर डैश ड, डैश ठ, डैश घ, डैश फ, डैश र, डैश व, ये आपका SW है। आप लोग इसको बना के रखोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।